आपको क्या लग रहा है सोशल मीडिया पे जो वहाँ पे मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं वो तो नेशनल मीडिया दिखाई नहीं रहा। देखिए बुलडोजर क्या बुलडोजर चलाएगी, नफरत पे बुलडोजर चलाओ, नपूर शर्मा के घर पे चलाओ बुलडोजर, अल्लाह के नाम पे दे दे, वाहेगुरु के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, इनके अंधभक्तों का यह हाल होगा कटोरा हाथ में होगा बोलेंगे मोदी के नाम पे दे दे, योगी के नाम पे दे दे। गल्फ कंट्री में जब इनके खिलाफ ढाबा बोल दिया, मोर्चा खोल दिया तो इनको अक्कल ठिकाने आ गई कि सिर्फ सिर्फ हा हू हुलालू हा हू हुलालू भाले ले के हिंदुस्तान के लोग चला करते थे, ये तो विदेशों तक गूंज जाती है और विदेशों में पूरी थूथू हो रही है। तो नूपुर शर्मा को हटाना बीजेपी की मजबूरी है, और अच्छा होगा तो मोदी मोदी, बुरा होगा तो कांग्रेस नेहरू ये जिन्ना सबकी कब्रें खोदना शुरू कर देते हैं। मतलब आप किसी भी धर्मगुरु के बारे में कुछ भी बोल दो और हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं। मोदी जी की जो गल्फ कंट्रियों में वोट लगाई गई है ये उसका असर है। नवीन जिंदल या नूपुर शर्मा ऐसे तो इनके सारे ही बंदे आप उठा के देख लो, सब नफरत को बोते हैं, सब नफरत का पेड़ काटते हैं। पर आज हकीकत क्या है, नूपुर शर्मा जैसे लोगों को और नवीन जिंदल जैसे लोगों को हटाना बीजेपी की एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तलवार लटक रही थी इनकी गर्दन पे, अगर ये उसको नहीं हटाते तो वो गर्दन से इनकी तलवार अलग हो जाती, ये बात आप याद रखना। आज इन शॉर्ट में जो हमारे देश में ये माहौल बनता जा रहा है, ये सारा माहौल जो बना है गल्फ कंट्रियों के प्रेशर में बना है, क्योंकि आपको पता होगा मोदी जी का जो कारनामे हैं जो इन्होंने करा वो विदेशों तक गूंज जाती है और विदेशों में पूरी थूथू हो रही है। तो नूपुर शर्मा को हटाना बीजेपी की मजबूरी है और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ड्रामा है, अंदर से ये सब एक ही है। देखिए आज आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं हमेशा कहता हूँ यूनिटी में रहने की जरूरत है। ये कुछ कुछ चुनिंदा चुनिंदा लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर आतंकवादियों के टैग भी लगा दिए जाएंगे। आपको पता होगा कानपुर में जो हुआ तो वहाँ 40 मुसलमानों पर UAPE एक्ट लगा दिया, आतंकवाद की धाराएं लगा दी, उनकी ज़मीनें जब्त करने के ऑर्डर योगी जी ने दे दिए हैं। आप ये बात बताइए, मतलब आप किसी भी धर्मगुरु के बारे में कुछ भी बोल दो और हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं, कमाल की बात है। आप वहाँ पे पूरा का पूरा अगर कुछ अच्छा होता है तो योगी जी मोदी जी, कुछ बुरा होता है तो ये पल्ला झाड़ लेते हैं। आज अगर ये इतना बड़ा माहौल आपको देखने को मिला कानपुर में, इसका जिम्मेदार कौन है? योगी सरकार का इस्तीफा होना चाहिए भैया, मांग होनी चाहिए इस्तीफे की, क्यों नहीं मांग की जाती? तो यही चीज समझने की बात है कि अच्छा होगा तो मोदी मोदी, बुरा होगा तो कांग्रेस नेहरू ये जिन्ना सबकी कब्रें खोदना शुरू कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात आपको समझने की जरूरत है। कह रही ना कि हम बुलडोजर चलाने के लिए तैयार। देखिए बुलडोजर क्या बुलडोजर चलाएगी, नफरत पे बुलडोजर चलाओ, नूपुर शर्मा के घर पे चलाओ बुलडोजर, नवीन जिंदल की प्रॉपर्टी जब्त करो, अरबों प्रति ने बना के छोड़ा हुआ है, अपने अपने जो गुर्गे पाल रखे हैं उनका कब इंतजाम करोगे योगी जी, कब पकड़ोगे, कब उनकी प्रॉपर्टी जब्त करोगे? आज सही माने में बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर आवाज उठाते हैं तो उनको दबाने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है, पूरा सिस्टम। पर आज गल्फ कंट्री ने जब इनके खिलाफ ढाबा बोल दिया, मोर्चा खोल दिया तो इनको अक्कल ठिकाने आ गई कि विदेशों में हमारी क्या क्या थू हो रही है। आपको पता होना चाहिए पूरी की पूरी जो गल्फ कंट्री है वहां इंडियन के प्रोडक्टों की होली चल रही है, बैन कर दिया गया उन प्रोडक्टों को, आज वहां से लात मारी जा रही है अंधभक्तों को। जो अंधभक्त वहां सोशल मीडिया पर एक्टिव थे ना, जिन्होंने सपोर्ट करा, आज सबका इंडिया का टिकट कट रहा है, बारी बारी सारे अंधभक्त हिंदुस्तान में आएंगे और यहाँ आके सिर्फ मोदी मोदी करेंगे, रोटियां खत्म तुम्हारी भी। अंधभक्तों विदेशों में बैठ के गल्फ कंट्री ने तुम्हें कितना दिया खाने को, आज सब तुम्हारा बराबर होगा क्योंकि तुम्हें वहां से लात मारी जा रही है। ये चीज समझने की बात है, जब तुम किसी गुरुओं के बारे में अपमानजनक बातें बोलोगे और माफी भी नहीं मांगोगे तो मजबूरी में पूरे देश को एक होना पड़ेगा और पूरे विदेशों को एक होना पड़ेगा। जो गल्फ नेशन है वो एक होंगे और वो एक होए और उसका हार जाना हमें भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को 2 बैरल में जा रहा है पेट्रोल, बात को समझना, और भारत को कितने में मिल रहा है? 6 बैरल में। आप इस चीज को समझो, $6 बैरल में हमें पेट्रोल मिलेगा, उनको $2 के अंदर 1 बैरल पेट्रोल मिलेगा। आज इस चीज को समझो कि हमारे ऊपर अभी कितनी मार पड़ने वाली है। ये इन्होंने अरब कंट्रियों से पंगा लेके सोए हुए शेर की पूंछ पे पैर रख दिया बीजेपी ने, सोए हुए शेर की पूंछ पे। अब वो जब शेर धार रहे हैं तो ये भागते फिर रहे हैं। मोदी जी आपको सोचना चाहिए, आपके सारे पालतू नेता, सारे के सारे पालतू नेता सिर्फ नफरत बांटते हैं क्योंकि उनको चलाने वाला RSS है। जो RSS है वो देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू तत्व को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ काम करता है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। भारत को तोड़ोगे तो विदेशों से नाता भी टूटेगा, आज वो चीज देखने को मिल रही है। प्रेसिडेंट को भेज दिया जा रहा है कतर पे वापस। मैं कह रहा हूँ इनको जगह जगह से वापस भेजा जाएगा। आप इस चीज को समझो, आप गल्फ कंट्रियों में जाओगे तो मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं जगह जगह, प्रदर्शनियां हो रही हैं, भारत के प्रोडक्टों को बैन किया जा रहा है, भारत से गेहूं नहीं ली जा रही, कितनी चीजों को बैन कर दिया, उसका असर किस पे आएगा? आप बताओ, अगर आप इंपोर्ट बैन करोगे, एक्सपोर्ट को रोकोगे तो उससे क्या आम जनता पे फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे देश के किसानों पे फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे देश के जो रिटेल का बिजनेस व्यापार होता है, थोक विक्रेता का व्यापार होता है, खुदरा व्यापार होता है, आज भारत के अंदर 12 लाख करोड़ का खुदरा व्यापार है, आज सारा का सारा प्रभावित होगा। किसकी वजह से? सिर्फ मोदी जी की वजह से। अरे देश के लोग भूखे मरने के हालात में हैं जी। आत्मनिर्भर भारत, अरे आत्मनिर्भर हमारे देश को तो इन्होंने
कटोरा पकड़ा दिया, आधा हिंदुस्तान और कटोरा लेके सड़कों पे घूम रहा है। आप इस चीज को समझो, हमारे देश में कुछ नहीं बचा। और अंधभक्त उसी प्रजातियों से बिलोंग करते हैं जिनके हाथ में कटोरा है, पर उसमें भी ये क्या करते हैं, आज हिंदुस्तान के बाकी जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, वाहेगुरु के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। इनके अंधभक्तों का यह हाल होगा, कटोरा हाथ में होगा, बोलेंगे मोदी के नाम पे दे दे, योगी के नाम पे दे दे। ये हाल होने वाला है अंधभक्तों का। आप इस चीज को समझो, नमाज पढ़ने की तो आजादी थी लेकिन हिंसा करने की आजादी तो नहीं है ना। मैंने आपको कब बोला कि कौन हिंसक है कौन नहीं है, आप जांच करो। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आज 40 मुसलमान जा रहे हैं, उसके बीच में तुम 5 टोपियां बना के अपने भेज दोगे, किसको पता, किसको पता? आप कैसे पता लगा लोगे, उनके आईडी निकालोगे ना? आदि कितनी सोशल मीडिया पे वीडियो दिखती हैं, बुरखे पहन पहन के औरतें निकलती हैं और माथे पे सिंदूर लगा होता है जब उनके बुरके हटाए जाते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। किसान आंदोलन में कितने नकली सरदार पकड़े हमने, जिनके बाल ही नहीं है, केश ही नहीं है जिनके, और पगड़ियां पहन रखी हैं, दाढ़ियां कटी हुई हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये हर जगह और वही बंदे जो थे शराबे पीते रहे किसान आंदोलन में, जब उनको पकड़ के उनकी पग उतारी गई तो देखा बाल भी कटे हुए हैं उनके, उनके केश ही नहीं है, वो नकली सरदार थे। तो वो कौन थे? वो सिर्फ आरएसएस के अंदर, आरएसएस के अंदर संगठन में आपको नकली मुसलमान भी मिलेंगे, आपको नकली सिख भी मिलेंगे, आपको नकली हिंदू भी मिलेंगे, क्योंकि आरएसएस का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है नफरत। और वो नफरत की आकार में इस तरफ देश को बढ़ावा दे रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नफरत की होली जलने वाली है, हिंदुस्तान के अंदर पूरी नफरत की लपटें उठेंगी और उन लपटों में हिंदुस्तान जल रहा है। ये चीज समझने की जरूरत है। भागवत ने अभी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था हमारा लक्ष्य खाली राम मंदिर को बनवाना था, उसके बाद हम खुद नहीं चाहते कि कोई और मस्जिद तोड़ी जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देते हुए दिखाई दे रहे, किस तरीके से देखते हैं? तो बीजेपी प्रचार करे, जगह जगह मस्जिदों के पोस्टर लगाए, हम सारी मस्जिदों को खुश रक्षा देंगे। जितने हिंदू संगठन वाले मस्जिदों के बाहर पहरा दें, जो तोड़ने वाले आ रहे हैं उनको पकड़े, भैया मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो? कोर्ट के आगे खुद ही आप अपनी रिपोर्टें पेश करेंगे कोर्ट में कि हम इस मस्जिद को टूटने नहीं देंगे। अरे बात करते हैं यार, ये खुद ही, ये खुद मिले हुए सारे थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये भागवत बड़े लीडर के मुंह से कुछ निकलवाओ, छोटे गुड़ के कुछ करें। आप इस चीज को देखो, मतलब कुल मिलाकर के हमारे ऊपर बात ना है, हमारे बंदों ने कर दी, हमें क्या पता लगा। आप इस चीज को समझो। तो आज यही चीज समझने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर जो गल्फ कंट्रियों का प्रेशर पड़ रहा है, नपूर शर्मा का जो ताल्लुक है और आज उसको निकालने का जो ताल्लुक है, माफी मंगवाने का ताल्लुक है, मैं कहता हूं गल्फ कंट्रियों को इतना प्रेशर बनाना चाहिए कि आज मोदी जी को इस्तीफा दे देना पड़े। मोदी जी इतना मजबूर हो जाए कि बोले मुझे बख्श दो, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, पर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बचा लो। आज सही मायने में जो पेट्रोल मैंने आपको बताया कि उनको $2 प्रति बैरल मिल रहा है और हमें $6 प्रति बैरल मिल रहा है, इसका असर किस पे आएगा? हिंदुस्तान पे आएगा या नहीं आएगा? भारत पे आएगा या नहीं आएगा? आज मोदी जी आपको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप सही मायने में भारत की जनता के हितैषी हो तो आप इस्तीफा दे दो, शायद आपके इस्तीफे से देश का माहौल बदल जाए। वरना देश का माहौल इस कदर आपने पर दिया है कि हिंदुस्तान डूबने की कगार पे पहुंच चुका है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आपके नेता और आपकी नीतियां हैं। अंधभक्त ये भी तो कहते हैं 2014 के बाद अगर माना जाए तो देश आजाद हुआ, देश डेवलप्ड हुआ, उससे पहले देश में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल कुछ नहीं था, उससे पहले आदिवासी थे, केले के पत्ते बांध के घूमते थे, ना कोई गाड़ी थी ना कोई घोड़ा था, कुछ नहीं था, एरोप्लेन नाम की कोई चीज नहीं होती, चिड़िया की तरह जैसे मोदी जी ड्रोन अपना उड़ा रहे हैं, हम भी चिड़िया और चीलों पे बैठ के विदेशों में जाया करते थे। कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हा हू हुलालू, हा हू हुलालू भाले लेने के हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी आए जिन्होंने बताया कुर्ता क्या होता है, ये तो मोदी जी आए जिन्होंने बताया चश्मा क्या होता है, ये मोदी जी आए जिन्होंने बताया सेलफोन क्या होता है। उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, सिर्फ मंदिरों के बाहर अंधभक्त बैठे थे कटोरा लेकर के, ये था हिंदुस्तान। ये सब बनाया मोदी जी ने, ये पेड़ मोदी जी ने उगाए, ये हवाएं मोदी जी ने बनाई, ये सूरज चांद भी थोड़े दिन में आपको सुनने को मिलेगा, ये मोदी जी की देन है। ये प्रकृति बसाने वाले मोदी जी है, थोड़े दिन पर इनको बताएंगे ब्रह्मा के अवतार है, थोड़े दिन पर ये विष्णु के अवतार है। हमारे देश में ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि अंधभक्त इसको प्रिटेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, ये पेड़ मोदी जी ने लगाया था पिछले सालों, ये तभी हो गया। देखिए किन के लिए भगवान है, अंधभक्तों के लिए बिल्कुल भगवान है भाई। आप इस चीज को समझो, जो डाकू होते थे ना वो शैतानों की पूजा करते थे और उन पर टीका लगा के थे, माँ भवानी करते थे, शैतानों को भी पूजने वाले होते थे, भवानी माँ को तो पूछते थे, शैतानों की पूजा करते थे। तो आज ये चीज समझने की जरूरत है, जो आपको बड़े बड़े तांत्रिक दिखते हैं ना, हम भगवानों की पूजा करते हैं, तांत्रिक शैतानों की पूजा करते हैं। तो ये अंधभक्त शैतानों की पूजा करने वाले लोग हैं, भगवानों से तो इनका वास्ता ही नहीं है। इंसान से तो गलती हो जाती है ना सर, नुपुर शर्मा को माफ कर दीजिए ना। तो माफ कर दिए, नाक रगड़े आज प्रोबेट मोहब्बत के बारे में जो उसने बोला, नाक रगड़े, मस्जिदों में जाके माथा टेके, मुसलमान भाइयों से बहनों से गले मिले, और ये नफरत नवीन जिंदल जी को ख़त्म करनी चाहिए, बीजेपी को ख़त्म करनी चाहिए। मोदी जी वहाँ पे मस्जिदों में जाके चादर चढ़ाएं और बोलें कि मोहम्मद साहब हमसे गलती होगी, और पूरा नेशनल मीडिया कवर करे हमारे बंदों से गलती हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं, और वो गल्फ कंट्री तक संदेश जाएगा। तो शायद जो हिंदुस्तान पे अभी महंगाई की मार पड़ने वाली है पेट्रोल के रूपों में, जो हमारे यहाँ से माल रोका जा रहा है, जो एक्सपोर्ट खत्म किया जा रहा है, शायद उसमें बचाव हो जाए और हिंदुस्तान
दोबारा से भारत दोबारा से खड़ा हो पाए, वरना भारत की दो टांगे तो मोदी जी आपने कटवाई दी हैं, आप याद रखना। जिस तरह वो हमारे प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं, हम पेट्रोल और बीफ को बैन कर देते हैं। देखिए आज ये चीज़ तो हम तो कहते हैं बीफ बैन कर देना चाहिए, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इतने सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीफ लीगल है और कुछ कंट्रियों में इलीगल है। हमें तो आता समझ ही नहीं आया कौन सा इनका प्रावधान है। आप इस चीज़ को समझो, आपको पता है अकेला यूपी, यूपी एक ऐसा राज्य जिसको ये राम राज्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट अगर कहीं से होता है तो वो यूपी से होता है। लीगल लाइसेंस है लोगों के पास वहां पे सांड को काट के मार के बेचने के लिए। वहां ये कहते हैं जो भैंस दूध नहीं देती किस काम की, काट मारो। कहां है योगी जी आपका प्रशासन, कहां जाता है? आप इस चीज को समझो, आज इतना बड़ा जो बीफ का एक्सपोर्ट होता है, आप उसको इंटरनेट पे गूगल पे पढ़ना, उसके संस्थापक कौन है, उसको चलाने वाले कौन है, आरएसएस के बंदे हैं, बीफ का व्यापार करने वाले, और ये मुसलमानों पे कहते हैं। आधे से ज्यादा लोग लाइसेंस हैं बीफ काट के बेचने के, वो भी मुसलमानों के पास नहीं, वो भी इनके आरएसएस के बंदों के पास है। आप ये बात कहते हो केरल के अंदर, वहां पे कहते हैं गायें यमी है, है जी गाय मम्मी, बाकी जगह पहुंच जाती है। अरे हम तो खुद गाय रक्षक हैं भाई, आप मेरे सामने एक गाय को वट्टा मार के देखो, मैं आपका सर फाड़ दूंगा, आप मार के दिखाओ किसी भी जीव को, जंतु को मेरे सामने। पर सच्चाई ये है कि बीजेपी ये सोचती है कि अगर कहीं से गायें कटने से हमें वोट मिल रहे हैं तो हम कटने देंगे, पर जहां गाय को बचाने से वोट मिलेंगे वहां हम बचाएंगे। ये चीज़ समझने की बात है, ये गलत राजनीति को खत्म करने की जरूरत है। दोहरी राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं आप? एक तरफ गाय बचाने की बात होती है, दूसरी तरफ गाय को, केरल की आपने बात की, केरल में खुद बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करती है गाय को। देखिए मैं आपसे ये तो कहता हूँ, तो वोट बैंक की राजनीति है ना भाई, ये तो भारत के लोगों को समझना चाहिए ना। अगर जो गौ रक्षक दल बने हुए हैं, हम आपका साथ देंगे, हम कांग्रेस के सिपाही आपका साथ देंगे, गली गली आपके साथ घूमेंगे, जो गाय काटने वाले होंगे उनके हाथ पर बांध देंगे, सबको बिठा देंगे कोने में कि भैया कैसे काट रहे हो। पर सच्चाई यही है कि जिन व्यापारों से इनको लाखों करोड़ रुपये का चंदा आता है, ये उसे कैसे खत्म कर देंगे, ये चीज समझने की बात है। हमारे लिए गाय केरल में भी मम्मी है, हमारे लिए गाय दिल्ली में भी मम्मी है, और वो हमारी मात्र है, और हम उसको माँ के रूप में देखते आए हैं। गाय का दूध पी के हम भी बड़े हुए हैं, भैंस का दूध पी के हम भी बड़े हुए हैं। आज कोई गाय को, भैंस को डला भी मारता है तो हमारे कलेजे में तलवार ऐसे लगता है किसी ने खोप दी हो। पर अंधभक्तों को समझने की जरूरत है कि ये आपकी सरकार बीजेपी की कहीं गाय को कटवा के वोट लेती है, कहीं गाय को माला पहनवा करके वोट लेती है, ये आपको समझने की जरूरत है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।